हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, नवरात्रि व्रत शुरू हो गया है। हम लोग अलग अलग तरीके का फलाहारी बनाना पसंद करते हैं, तो आज मैं श्यामा के चावल की पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे श्यामा का चावल ले लिया है, तो आप देख सकते हैं श्यामा का चावल एकदम बारीक बारीक दाने का होता है। इसे हर जगह उपवास में खाया जाता है और ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। हाँ, नाम अलग अलग होता है, कहीं पे श्यामा के चावल, कहीं पे भगड़ या और भी कोई नाम से जाना जाता है, तो आप थोड़ा देख के समझ जाइएगा। ये बारीक वाला दाना होता है। तो हम अब पुलाव बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसे एक बड़ा बॉल में ट्रांसफर करके और अच्छे से इसे धो लेंगे। तो हम इसमें ढेर सारा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हम चम्मच से हिलाएंगे। तो इसे हम अच्छे से धो लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा स्टार्च जो रहता है वो पानी के साथ निकल जाता है, तो अपना पुलाव जो है खिला खिला तैयार होता है। फिर हम एक बोल पे स्टेनर रखे हैं और इसे ऐसे छान लेंगे। पानी को हम अच्छे से निकलने देंगे, तब तक हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई ले लिया है, गैस को ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक बड़ा चम्मच तेल डाल रहे हैं। तो ये मूंगफली का तेल है। जब हम मूंगफली व्रत में खाते हैं तो हम उस तेल को भी यूज करते हैं। अगर आप नहीं खाते हैं तो यहाँ पे देसी घी ले लीजिए। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे मूंगफली का दाना यानी कि सिंग दाना और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो इस टाइम हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे रोस्ट करेंगे, नहीं तो ऊपर की परत गल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। हमने मूंगफली को 1.5 से 2 मिनट में स्लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया है। ज्यादा हमें इसे डार्क नहीं होने देना है, हल्का सा इसकी कच्चापन दूर कर देनी है, तभी ये पुलाव में इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल ले रहे हैं। हमने सिंगदाना निकाल लिया। अब इसी तेल में हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को हल्का सा चटकने देंगे। तो आप देख सकते हैं जीरा अपना चटक चुका है। उसमें हम 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे काट लिए हैं, इसे छोड़ देंगे। 2 हरी मिर्च को हमने काट लिया है, उसे डाल देंगे। 1 डंठल कड़ी पत्ता को हमने धो के तोड़ लिया है, उसे भी डाल देंगे। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आधा मिनट तक तेल में पका लेंगे। आप देख सकते हैं अदरक हरी मिर्च कड़ी पत्ता भुन चुका है। अब हम इसमें 1 बड़ा साइज आलू जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, ये कच्चा आलू है, तेल में छोड़ देंगे। पुलाव में कभी भी कच्चा आलू का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। और इसे चलाते हुए हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, यानी कि आलू को हमें आधा पकने देना है। हमने आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इस पे हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन कलर आ गया है, तो ये अपना आलू अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ गाजर, इसे भी हम आलू के साथ 1 मिनट तक पका लेंगे। ये बहुत बारीक कटी है, इसके लिए बहुत जल्दी पक जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हमने गाजर को अच्छे से भून लिया है आलू के साथ। अब
हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो अगर आप व्रत में टमाटर खाते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। टमाटर के साथ हम आलू को एक मिनट तक और पका लेंगे। जब हम टमाटर डाल दिए हैं तो साथ में हम नमक भी डाल देते हैं। तो एक कटोरी हम सावा का चावल लिए हैं, एक आलू है, यानी कि एक कट सब्जियों के अंदाज से आप नमक डालिएगा टेस्ट के अनुसार। यहाँ पे हम सेंधा नमक डालेंगे क्योंकि व्रत के लिए जो बनाया जाता है उसमें सेंधा नमक डालते हैं, और ऐसे नॉर्मल खाने के लिए बनाया जाता है तो इसमें आप ऐसा सादा नमक डाल सकते हैं। तो ये हम टमाटर को हल्का सा गला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने टमाटर को भी एक मिनट तक आलू के साथ पका लिया है। अब हम इसमें चावल जो स्ट्रेन करके रखे हैं सामा का, उसको छोड़ देंगे। तो ऐसे हम सामा के चावल को इसमें डाल देंगे और इसे भी हम एक मिनट तक भून लेंगे। अगर सामा का चावल अच्छे से भून जाए सब्जियों के साथ तो पकने में इसका टेस्ट बढ़ जाता है और पुलाव का स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है। हमने चावल को भी अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे हमने इसी कटोरी से चावल लिया था तो इसी कटोरी से माप के हम 2.5 कटोरी पानी डालेंगे। अगर आप सामा के चावल को भिगा के फिर पकाते हैं तो 2 कटोरी पानी डालेंगे, अगर आप बिना भिगाए डालते हैं तो 2.5 कटोरी डालिए। तो यहाँ पे हमने 2.5 पानी डाल दिया। अब हम सब्जियों के साथ चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया कलरफुल सामा का पुलाव तैयार हो रहा है। ऐसे हम मिक्स करके और तेज फ्लेम पे पहले इसे उबालेंगे। तो हम गैस का फ्लेम तेज कर लेंगे और इसका उबलने का इंतजार करेंगे। अब देख सकते हैं चावल में उबाल आ चुका है। एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे और हम 2 मिनट तक इसे तेज फ्लेम पे उबालेंगे, फिर हम कवर करके पकाएंगे। आप देख सकते हैं 2 मिनट उबलने के बाद भगर की जो राइस है वो अच्छे से फूल चुकी है, पानी भी 1/2 उसने अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अब हम कवर करके राइस को पकाएंगे। ऐसे हम कवर कर लेंगे, फ्लेम हम एकदम मीडियम कर देंगे और इसे पकने देंगे, फिर हम 2 से 3 मिनट बाद चेक करके आपको बताएंगे। अब हम एक बार फिर से पुलाव चेक कर लेते हैं। तो हम कवर को हटा देंगे। आप देख सकते हैं सामा के चावल ने पानी को अब्सॉर्ब कर लिया है। तो एक बार हम फिर से इसे मिक्स कर ले रहे हैं। कितना सुंदर पुलाव तैयार हुआ है। अब हमने इसमें जो मूंगफली का दाना भून के रखा था उसे डाल देंगे और साथ में ये धनिया पत्ता जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है उसे भी डाल देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर देंगे। ये पुलाव बनाना कितना आसान है और खाने में तो ये टेस्टी लगता ही है, क्योंकि इसमें हमें सारे फलहारी वाले इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और कवर करके इसे 2-3 मिनट तक छोड़ देंगे, फिर पुलाव को हम सर्व करेंगे। चलिए हम अब पुलाव की प्लेटिंग कर लेते हैं। कवर को हम हटा देंगे। एक बार फिर से हम पुलाव को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको डाउट हो कि कच्चा है तो इसे ऐसे अंगुली से प्रेस करके देख लीजिए, एकदम बढ़िया पक चुका है। तो हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। तो हमने सामा के पुलाव की प्लेटिंग कर ली है। अब हम एक हरी धनिया पत्ता से इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया
उपवास के लिए श्यामा की चावल की पुलाव कितनी आसानी तरीके से बनकर तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप नवरात्रि में जरूर बनाइए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए। धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रि।